कृषि बिलों के नाम पर कांग्रेस देश के किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है तथा कृषि बिल के नाम पर किसानों को भड़काकर अपने अस्तित्व को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही है। प्रीतिगृह बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में पंचायती राज व पशुपालन मंत्री बीरेंद्र कंवर ने कृषि बिलों को किसानों के हित में बताया तथा कहा कि इन बिलों में किसानों की आय दोगुनी करने के प्रावधान किए हैं। उन्होंने कहा कि इन बिलों के नाम पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल भ्रांतियां फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मौजूदा समय किसानों के हित की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस बिचौलियों की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में किसानों से ज्यादा बिचौलिए हैं और इन कृषि बिलों के कारण इन बिचौलियों का कारोबार खत्म होने वाला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कृषि बिलों में किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है, न तो एपीएमसी को समाप्त किया गया है और न ही एमएसपी को। उन्होंने कहा कि इन बिलों के पास होने के बाद किसानों को अपनी उपज को देश में कहीं पर भी बेचने का अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश में पहले से ही चल रही है, मौजूदा कृषि बिलों में इस कानूनी रूप दिया गया है तथा किसानों को इसके तहत एग्रीमेंट के तहत संबंधित ठेकेदार को उसकी उपज का पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन में केवल पंजाब व हरियाणा के ही किसान हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनावों को लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है तथा कोविड काल में हो रहे चुनावों को लेकर सरकार द्वारा एसओपी तैयार की जा रही है, जिसमें कोविड 19 के दिशा निर्देशों को पूरा करने की सारी व्यवस्था की जाएगी। अपनी उपज बेचना चाहता है तो उसको कोई रोक टोक जो है वो उसको नहीं रहेगी। ये पूरी तरह से किसान को स्वतंत्रता दे दी गई कि वो अपनी उपज एपीएमसी में बेचे, चाहे वो अपनी उपज जो है वो सीधा किसी व्यापारी को बेचे, ये उसके ऊपर है। और ये दोनों व्यवस्थाएं जो है वो जारी रहेंगी, एपीएमसी भी जारी रहेगी और दूसरी व्यवस्था भी जो है वो साथ में जारी रहेगी। और साथ में जो एक शंका जो किसान नेताओं के द्वारा किसानों द्वारा जो की जा रही थी कि जो एमएसपी है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन सरकार ने कहा कि एमएसपी भी जो है वो जारी रहेगा। दूसरा जो बिल उन्होंने जो लेकर के आए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये भी जो है वो परंपरा जो है वो चली आ रही थी, लेकिन इसको लीगलाइज इस बिल के माध्यम से किया गया है। जिम्मेदारी जो है वो ज्यादा तय की गई है कि जो व्यापारी किसान के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसको जो कॉन्ट्रैक्ट में जो शर्तें होगी उसका तय मूल्य जो है वो उसको देना पड़ेगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी फसल के साथ होगा। लेकिन कुछ किसान संगठन देश के अंदर भ्रम किसानों के अंदर फैला रहे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर आपका पूरा नहीं हुआ तो आपकी जमीन जो है वो व्यापारी जो है वो ले जाएगा। इस तरह की भ्रांतियां जो है वो किसानों के अंदर जो है वो आज आए दिन जो है वो कुछ सब जानते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दल जिनका अब अस्तित्व जो है वो समाप्त होने की तरफ जो है वो तरफ बढ़ रहा है। जैसा कांग्रेस जो है वो आज जो एक एक मरने वाली पार्टी के रूप में जो है वो आज पूरे देश के अंदर जो है वो उसको जो है वो देखा जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उनको इस आंदोलन से कुछ जो है वो आस बन रही है, वो किसानों को जो है वो गुमराह कर रहे हैं, किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल के कारण जो है वो तबाह हो जाएंगे। किसान जो संगठन है, ज्यादातर किसान संगठन जो है चाहे वो केरला के हैं, तमिलनाडु के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, पूरे देश के अंदर अगर कोई छुटपुट अगर कहीं है तो वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान है, बाकी जो है वो भी किसान हम कम है, बिचौलिए जो है उसमें ज्यादा है। आज कांग्रेस और विपक्षी दल इनको किसान के हितों के बारे में लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन ये बिचौलियों के हितों की लड़ाई आज कांग्रेस लड़ रही है। दूसरा, सरकार ने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार है, किसान पूरी तरह से वार्ता के लिए, जहां 6-7 दौर की जो है वो वार्ता हो चुकी है, लेकिन अंदर जाते हैं सरकार कहती है कि बताइए किस धारा के अंतर्गत जो है वो आपको आपत्ति है, तो लेकिन वो अंदर कुछ सहमत होते हैं लेकिन जब बाहर आते हैं तो असहमत होते हैं। और आज धीरे धीरे इस आंदोलन के अंदर
आज असामाजिक तत्व जो है वो जुड़ते जा रहे हैं, जिसका हम सब आए दिनों जो है वो समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में देख रहे हैं कि किस तरह के नारे लग रहे हैं। वही चीज जो शहीन बाग में हो रही थी, वही नारे शहीन बाग में लग रहे थे, वही नारे जो है वो आज वहां पर किसान आंदोलन के अंदर जो है वो लग रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर आज पूरी तरह से जहां पूरा किसान पूरे सरकार